हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी पॉइंट। स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, इस पर्टिकुलर वीडियो में आज हम हिस्ट्री के 50 से 60 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चन का पैटर्न होगा वन लाइनर क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में, जो कि आपके आने वाले एग्जाम जैसे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो ARO का फॉर्म भरा है आप लोगों ने, मंडी परिषद का, लोअर PCS और जो लेखपाल की वैकेंसी आने वाली है और कोई भी ऐसे एग्जाम जिसमें हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या था? तो ये था फोर्ट विलियम। आपको एक बात और याद रख लेनी है कि अभी तो भारत की कैपिटल है न्यू दिल्ली, बट न्यू दिल्ली से पहले जो भारत की कैपिटल यानी राजधानी थी वो होती थी कलकत्ता। क्वेश्चन है, केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो ये की थी वास्को डिगामा ने। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत अमेरिका की खोज किसने की थी तो ये हो जाएगा कोलंबस। नाम याद रख लेना है, कोलंबस, अमेरिका, वास्को डिगामा, भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज। प्रश्न नंबर 3 है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी गुरु गोविंद सिंह ने। अगर आपसे पूछा जाए कब की थी तो ये की थी 1599 में। एक भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है, सारे क्वेश्चन आपको लर्न कर लेना है क्योंकि कोई भी क्वेश्चन कहीं भी पूछा जा सकता है क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। और चौथा प्रश्न है, अकाल तख्त की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी गुरु हरगोविंद जी ने। प्रश्न है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? ये थे मैसूर के शासक। देखिए, अगर बात की जाए इस पेज की, वैसे तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बट फिर भी अगर बात की जाए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन है जो कि कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ये है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। जैसा कि डिस्कस किया, टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। प्रश्न नंबर 6 है, ब्लैक होल त्रासदी कहाँ घटी थी? तो ये घटी थी कलकत्ता में। कब? 20 जून 1756। प्रश्न नंबर 6 है, इस पेज में अभी तक का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध जो कि 23 जून 1757 में हुआ था, ये किसके किसके मध्य हुआ था? तो ये हुआ था बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य। कई बार आपसे नाम पूछा जाता है तो नाम याद रखिएगा, रॉबर्ट क्लाइव थे अंग्रेजों की तरफ से, रॉबर्ट क्लाइव। प्रश्न नंबर 7 है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1857 में आर्य समाज की स्थापना कहाँ पर की थी? तो पहले तो आपको याद कर लेना, ये की थी बम्बई में। और कब की थी? 1875 में। किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। प्रश्न नंबर 8 है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो कि 1896-97 के मध्य में हुई थी, ये किसने की थी? ये की थी स्वामी विवेकानंद। ठीक है, इन्हीं के बर्थडे पर 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे मनाया जाता है, याद रखिएगा आप लोग 12 जनवरी। अंग्रेजों की अंग्रेजी की शिक्षा का माध्यम कब बनाया था? तो ये बनाया था 1835 में। और इनमें किसका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान था? तो ये थे लॉर्ड मैकाले का। प्रश्न नंबर 10 है, नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सर सैयद अहमद खां को। देखिए, इस पेज में सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जहाँ तक बात की जाए 6 प्रश्न और 7 प्रश्न और 8 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय, जिन्होंने सती प्रथा को बैन कराने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। इनके साथ थे विलियम बैंटिक जी भी साथ में थे। ब्रह्म समाज या प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? एक तो आपसे पूछा है ब्रह्म समाज, दूसरा आपसे पूछा है प्रार्थना समाज। तो ब्रह्म समाज के थे राजा राम मोहन राय और प्रार्थना समाज के थे आत्मा राम पांडुरंग। प्रश्न है, एशियाटिक सोसाइटी सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन है? तो एशियाटिक सोसाइटी के थे विलियम जोन्स और सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे ज्योतिबा फुले जी। प्रश्न नंबर 14 है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक कौन थे? तो ये थे विनायक दामोदर सावरकर। नाम पूरा याद कर लीजिएगा, कभी कभी पूरा नाम दे दिया जाता है तो कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए तो आप लोग याद कर लीजिए, विनायक दामोदर सावरकर। भारतीय बिस्मार्क ये कहा जाता है वल्लभ भाई पटेल को। वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है। इनके नाम पे यूनिटी स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाई गई है। केवड़िया गाँव में गुजरात में है, ये नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में, आप लोग ये नाम याद रख लीजिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। महान वृद्ध पुरुष किसे कहा गया है? दादा भाई नौरोजी को। भारत में राष्ट्रीय आय का आंकलन सबसे पहले किसने किया था?
ये भी किया था दादा भाई नौरोजी ने। ग्रैंड ओल्ड मैन भी किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी, महान वृद्ध पुरुष। 18वां प्रश्न है, भारतीय अशांति का जनक किसे कहा गया है? बाल गंगाधर तिलक। यहाँ बाल होगा, बल नहीं होगा, थोड़ी सी मिसप्रिंट हो चुका है। बाल गंगाधर तिलक। 19वां प्रश्न है, यंग इंडिया, हरिजन और नवजीवन, ये जो समाचार पत्र हैं, ये जो पत्रिका हैं, इसका कौन थे? तो ये थे गांधी जी, इनके द्वारा ये लिखी थी। फ्रंटियर गांधी हैं खान अब्दुल गफ्फार खान, नील दर्पण ये लिखा गया है दीन बंधु मित्र द्वारा। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये दी गई थी 23 मार्च 1931 में। गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल। अंतिम मुगल शासक कई बार पूछा गया है, बहादुर शाह। और कानपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहब ने, झांसी से किया था रानी लक्ष्मीबाई ने। प्रश्न है, लखनऊ से किया था बेगम हजरत महल ने, ये भी याद रख लीजिएगा आप लोग। स्थाई बंदोबस्त, इसके जनक थे लॉर्ड कार्नवालिस। मद्रास में रैतवाड़ी व्यवस्था, थॉमस मुनरो। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है, लॉर्ड कार्नवालिस। मद्रास में रैतवाड़ी व्यवस्था, थॉमस मुनरो। भारतीय सिविल सेवा में अर्हता प्राप्त प्रथम भारतीय, तो ये थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय, ये थे लॉर्ड कैनिंग। कई बार पूछा गया है, अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। पहले वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग, अंतिम थे लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। पहली बार रेल यात्रा 1853 में किसके मध्य कराई गई थी? कराई गई थी बम्बई से ठाणे के मध्य। कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये हुई थी 1773 का, ये था विनियामक अधिनियम। 35वां प्रश्न है, द्वैध शासन किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा लागू किया गया था? तो ये था 1919। रॉलेट एक्ट 1919 किसके शासनकाल में लागू हुआ था? ये हुआ था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। स्वराज पार्टी के जनक कौन है? फाउंडर थे सी आर दास और मोतीलाल नेहरू। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी? 1939 में। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। 1885 में कांग्रेस के प्रथम मीटिंग के अध्यक्षता किसने की थी? ये की थी वोमेश चंद्र बनर्जी, डब्ल्यू सी बनर्जी भी जिन्हें हम कहते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है? ए ओ ह्यूम। और नरम दल और गरम दल के मध्य फूट कहाँ और किस वर्ष पड़ी थी? तो ये पड़ी थी 1907 के सूरत अधिवेशन में। 44वां प्रश्न है, पूना समझौता 1932 में किसके मध्य हुआ था? तो ये हुआ था गांधी जी और अंबेडकर के मध्य, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। होम रूल लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना, यानी कि होम रूल लीग की स्थापना हुई थी 1916 में, और उससे 10 साल पहले ही हो चुकी थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना। तो 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और होम रूल 1916, 10 साल का अंतराल है। साइमन कमीशन, साबरमती आश्रम, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना, ये तीन चीज़ें पूछी गई हैं। तो साइमन कमीशन ये आए थे 1927 में, साबरमती आश्रम इसकी स्थापना हुई थी 1917 में, और कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना ये हुई थी 1861 में। तीनों चीज़ें आपको याद कर लेनी है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी इनके पूछे जाने के चांसेस बहुत ही अधिक हैं। गांधी इरविन समझौता, पहला तो ये पूछा है, दूसरा पूछा है सविनय अवज्ञा आंदोलन, तीसरा पूछा है क्रिप्स मिशन, चौथा पूछा है कैबिनेट मिशन, और अगला पूछा है भारत छोड़ो आंदोलन, और फिर चौरी चौरा कांड। देखिए चौरी चौरा कांड ये थोड़ा यहाँ पे है 1920, और 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता, सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930, क्रिप्स मिशन 1942 और कैबिनेट मिशन 1946, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 जिसमें गांधी जी ने नारा दिया था डू और डाई, करो या मरो। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए 47 क्वेश्चन आपको अच्छे से याद कर लेना है, कई बार इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं और इसमें 5
इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले जी। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष ये थे जी बी मावलंकर। सर्वोदय एवं भूदान आंदोलन किसके द्वारा कराया गया? आचार्य विनोबा भावे। देखिए 50 क्वेश्चन थे, 50 से 60 मैं कहूँ बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न थे फैक्ट के साथ। ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, इसको आप लोग याद कर लीजिए और इस वीडियो को आप लोग लाइक करिएगा अगर आपको लगे कि इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल है तो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।